मूलम गुरु कृपा मोक्ष मूलम गुरु कृपा। नमस्कार दर्शक बंधु, सिद्धार्थ टीवीर सत्यपथे घेनि जाओ मोते कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। सबुदिन परी आज मध्य आपणकर मंगल कामना करी, सुख कामना करी, निरोग सुस्थ जीवन कामना करी आरंभ करछु आज कार्यक्रम। आपण माने हसु थांतु एवं आम कार्यक्रम को भल पाया सब बेले दउतांतु। आउ आज कहानी भितरे मन रही प्रत्येक मनीष जेमिति जादृशी भावना जस्य सिद्धिर्भवति तादृशी, जार जेमिति भावना थाए से सही भली सिद्धि प्राप्त करे। ठीक आज कहानी शीर्षक अच्छी जे भावना रे विष बा अमृत थाए। ए जगतर कल्याण पई आमर समस्तंकर कल्याण पई ये कहानी टी रही। आम प्रथम दर्शक बंधु कही कहानी तो केवल समाज भितर आसी थाए, सेमिति एक कहानी दुईटा पिला को नहीं आज आरंभ हो। बाहर दुईटा पिला अलग अलग जाइंट कि दुईज चिंतन अलग अलग थिला, किंतु जेतबले पाखरे रहीगले दुईजर चिंता केमती चिंतन केमी खराब चिंतन बा भल चिंतन दुईटा जाक केमी गोटे जमी। दर्शक बंधु जदि आम ये अच्छा आम पाखे निआ थुआई तेल निआर ताती आमको गरम लगे, जदि से निआ उठे नहीं गले ये आनी बरफ थोद तो आमको निश्चित से ठंडा लगे। जदि आम नईकूल बुलवा नईकूल सुलुसुलु पवन जमी आम शरीर को मन को टे मोहित कर दिए, जदि आम सूर्य किरण से ठिया ताती जमी आमको काटू थाए ठीक सेमी पाखे लोकटी पाखे जे मनीषटी तार गुणकर्म स्वभाव सामना लोक को टे प्रभाव पकई थाए। आज सेमी एक कहानी रही भावन विष बा अमृत आम जहाँ बुणवा अमृत रखिले अमृत आम पाखक फेरिक आसो, जदि विष रखा विष फेरिक आसो। से एक कहानी रही पिलाटीर ना हूँ जोसेफ, द्वितीय पिलाटीर ना हूँ आर्जियन। ए दीटा पिला पाठ पढ़ापी गाँ ठार सुदूर जगार गोटे हस्टेल रही पाठ पढ़ुं पिला बेल कथा जमी जार था ना कहीं किंतु वर्तमान कण ना पाठ पढ़िया को जाई पाठ पढ़ला बेले कौन करूँ तथापि आम टे पाकर मन कथा को किंबा से पा को महत उद्देश्य रे भगवान को पाखरे आगे आम टे नाम नवा जगत को आसी थिले मानव होई मानव गुण जदि रहिब नहीं केते हैरान हेबा समाज को कष्ट देवा केते हैरान हेबा समाज को कष्ट देवा अधर्मी हेबा गला बेले मसानी को खाली रे जीवा हाँ। गला बेले मसानी को खाली रे जीवा हाँ। गला बेले मसानी को खाली रे जीवा किसी नवा ना पैसा नहीं की जीवा खाई भी जीवा। अरे पैसा नहीं मशाणी की जीव आज्ञा हाँ ना 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 किसी भी नहीं पार्वन ना पैसा नब ना खई बिचाओ पैसा पचर पड़ो कि आम कि नहीं जदि किसी भल कम करदि कि सत्कर्म करम सांगे जीव आज्ञा। आम कथा कहते जोसेफ आउ आर्यन कथा जोसेफ थे भिन्न एक पर आउ आर्यन थिले आउ गोटे परिवार रो जेमिति आमे कहुथिले निया पाखरे रहिले नियार ताती काटी जाए आउ जदि निया को हटेई नै जिवा सेदि बरफ आनिबा ताले बरफर शीतलता रे आम शरीर शीतल हे जिवो।
जदि आम नदी कूल को जीवा नदी कूल से सुलुसुलु पवन आम मन को मोहित करनब जदि आम खरार ठिया धूपर ठिया ताले सूर्यंर उत्तापर आम शरीर तापमात्रा बढ़ कुआ जाए मनीषर गुणकर्म स्वभाव सामना लोकर गुणकर्म स्वभाव पर टिके प्रभाव पकाए किंतु भल कथा को बा कौनसी जिनस को गढ़ा आमको अनेक समय लगे भांगा जमी सांगे सांगे लगे जमी आम खराब कथाटा को ग्रहण करने सांगे सांगे ग्रहण कर दिखती कितु भल कथ बापा माँ बारंबार कहते ए बाबू भल करू भल करू भल करू कि आम ग्रहण करने बहुत समय लगे ठीक सेमती दीज पखापाखी अच्छा जोसेफ आर्यन किंतु जोसेफर छोट बड़ स्वभाव था जे कार पेनसिलटा चोरी कर आणव कार कलमटा चोरी कर आणव कार खाता चोरी कर आणव कार बहीटा चोरी कर आणव सबकि चोरी करें कि माँ के मना कैनि माँ के पिठी थापुड़ी थाए माँ किसी कहे ना धीरे 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 से ही गछटा भर से गुणटा शाखा प्रशाखा मेलेकर आग को चलला धीरे धीरे बड़ हवा को लगला ये दुनिया चाकचक्य देखिकी तार भी टे इच्छा है मुझे टे भल रहा कि बाप माँ पैसा ठीक से दे पार ना आज्ञा एमती ये तो आग जमानार कथा बा कि वर्ष पूर्वर कथा मुझे आज काली ए दुनिया रे एमती चली जदि बाप माँ पैसा दबारे कमी कराने खराब कम करजक पछौ ना कारण आम पची खराब कम करूँ ए दुनिया रे समाज में मुंड टेक बचीबू कि मुंड टेकवा नुह से पिला कौटूना कौटू आगे हॉस्टल रु आगे सांगसाथी मान पकेट रु जो समस्त प्यांट सुखे प्यांट टंगे जाइए से समस्त पकेट रु आगे धीरे 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 सेठ आरंभ कला पाने किए मन रखि था किए मन रखि था आज कालीटे पाँच टकर रखी थी कौन है कई जापारती सांग तो सांग ये कौन कर घर को फेरिक जाए माँ पाई गला जिनस नहीं जाए माँ भी से खुशी हुए आरे मो पु जिनस आऊँ कहले केमी दर्शक बंधु आम चिंता करा पुह को जी कम पैसा दौरान से हस्टेल रोच फेरला बेलू घर को जदि किसी अलग जिनस आनी जाए तो अंत पक्षे थे पचारा दरकार बाबा पैसा कौटू पाइल जदि आम सीटा न पचार से छोटा दिन विराट बड़ रूप नब आज से ही अवस्था हवाक जाऊँ दी सांग भितर एवं जोसेफ धीरे 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 सब सीमा पार कर कौट गाड़ीटा चोरी करदे क्या कौट कंप्यूटरटा नहीं आसवा कौ दुकान को गले बंडल बंडल जिनस नहीं पलैस एमती चलला ता सहित आर्यन कितु भल संस्कार आसी भी धीरे धीरे पैसा देखले दर्शक बंधु जदि गोटे सचोट लोक गोटे पैसा पैसा गदा पाखे पहुँची जाए आकु दैनिक गणियापाई आई देवाई पड़ब ताले सी भी कौन कर दि चार पकेट नुचे देव कहीं से आसक्ति आसी जाए लोभ आसी जाए एत सी लालायित हो जाए सी भी भूल कर लगे ये मन मन भाविला जोसेफ जी एमती करूँ दुजन जाक फिफ्टी फिफ्टी एमती कम चलू थाए दिनकर घटना होमती गोटे जगार से मैंने चोरी कर जोटा कि सेत बड़ जमानर थी चोरी कले फाँसी जी जार चोरी करा कम्प्लेन आसला तक फाँसी दिजाव से एमती जगार चोरी कराफल से ही जगार सेत बड़ समय रे भी धरा पड़ी गले आज दिना आप कहे सीसीटीवी लगला लेखाही आपण सीसीटीवी नजर से अच्छा कहला पर भी एम चोरी करपरवालार जो एत बड़ बड़ आखि लक्ष लक्ष से आखिर जो ज्योति से भली सीसीटीवी की ठकला भाया कहार दम अच्छे तेणु जोसेफ आई आर्यन ए दुजन जाक धरा पड़गले आज कौन हम ना फाँसी दिजाव दीटा जाक पा जगह को निगला कहे फाँसी बर्तमान दिजाव कह गोटाए दिन में दिज को दिहबन टाइम भी चेंज है ये गोटे दिन रे गोटे दिन रिज को पड़गला एवं उभय बाप माँ पाखे खबर पहुँचला जे तुम पुह को फाँसी हे कहे कहीं ना एमाने तो केते बड़े छोट चोरी करते जो दर्शक बंधु गोटे भूल धरा पड़ जाए पांच जन ताँ कहिया को आरंभ कर दिखती जेपर्यंत धरा पड़ न था कहीं जाणी न था कौटि चली किए नौ कौन करुच्च ठीक सेमती जोबले से ही कथा बाहरी गला क्लास सारा बा हॉस्टल सारा कहे आरे मो पकेट दिने पांच हजार जाता किए कह आज्ञा मुझे देखे मो पकेट पैसा नाला किए कह आज्ञा मो हाथ पूरा सुना मुद्रा पड़े था किए कह आज्ञा जी जमी कही चलिए जोबले एत गुड़िक ताक ना अभोग आसी पहुँची गला निश्चित ए दिजन को फाँसी दिजाव किंतु कथार अच्छी छाटघर छुआ छाटे किंतु भाटघर छुआ बाटे किंतु भागवत कौच कौच हीन संगते हीन मती हसी कहती जदुपति गोविंद गोविंद गोविंद
ଯାଉଛନ୍ତି ଯଦି ତୁମେ ହୀନ ସଙ୍ଗ କଲ କିମ୍ବା କୁକର୍ମ କଲ ତୁମର ସର୍ବନାଶ ହେଇଯିବ, ତୁମେ ମାୟା ମୋହ ସେଇ ଫାସରେ ପଡ଼ିଯିବ ଏବଂ ତୁମକୁ ଟାଣି ଟାଣିକିରି ସେଇ ଯାକେ ନେଇଯିବ। କହୁଛନ୍ତି ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି ଯେ ନିଜ ହାନି ନ ବୁଝାଇ ତାର ବିବେକ ଗୁଣ କାଇଁ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ସେ ମକରନ୍ଦ ପାନ କରି ହେଳେ ତରିଲେ ବ୍ରଜ ନାରୀ ସେ ମକରନ୍ଦ ପାନ କରି ହେଳେ ତରିଲେ ବ୍ରଜ ନାରୀ। କହୁଛନ୍ତି ସେ ନିଜେ ତାର ହାନି ଯେତେବେଳେ ନ ବୁଝିପାରିବ ତାର ବିବେକ ଗୁଣ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଜାଣିପାରୁନି ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲ କଲେ ଭଲ ଖରାପ ପିଲାଟା ତ ଖରାପ ରାସ୍ତାକୁ ଗଲା, ଭଲ ପିଲାଟାକୁ ବି ଖରାପ ରାସ୍ତାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପଟେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଆର୍ୟନର ଯେଉଁ ବାପା ମାଆ ଥିଲେ ଏମାନେ ଯାହା ବି ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଥାନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ପିଲାଟି ତ ବାହାରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଟିକେ ସଂସ୍କାର ଶିଖୁ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜିକାଲି କ'ଣ ଆଉ ଆଗ ଜମାନାରେ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ସଂସ୍କାର ହିଁ ଦରକାର। ଭାରତ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଦେଶ ଯେଉଁଟା ସଂସ୍କାର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ୟାକୁ କେବେ ସିଏ ଛାଡ଼େ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସଂସ୍କାରଟା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଗରୁ ଥିଲା ଆଜି ଅଛି କାଲି ବି ରହିବ, ସଂସ୍କାର ଯେଉଁଠି ଅଛି ଭଲ ମଣିଷ ସେଇଠି ଅଛି। ଠିକ ବାପା ମାଆ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଭଲ ସଂସ୍କାର ଆସୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ସଙ୍ଗ ଭିତରେ ପଡ଼ିକିରି ହୀନ ସଙ୍ଗତରେ ହୀନମତି ହେଇସାରିଲାଣି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଲା ଦିନ ସ୍ଥିର କରିଗଲା କେଉଁ ତାରିଖରେ କିଏ ନେବ ଫାଶୀ। ପ୍ରଥମେ ଆଗେ କାହାର ପାଳି ପଡ଼ିଲା ନା ପ୍ରଥମେ ପାଳି ପଡ଼ିଲା ଜୋସେଫର, ଜୋସେଫକୁ ନିଆଗଲା। ଜଜ୍ ସାହେବ କହିଲେ ଯେ ଆଜି ତୁମର ଫାଶୀର ଦିନ, ତୁମେ ଆଜି ଫାଶୀ ନେବ। ଫାଶୀର ତାକୁ ପିନ୍ଧେଇ ଦିଆଗଲା କଳା ମୁଖା, ପିନ୍ଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ପଚାରିଲେ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ସମୟ ହୁଏ ତାକୁ ପଚାରନ୍ତି ଯେ ତୋର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ଆମେ ପୂରଣ କରିବୁ, କାରଣ ଜବରଦସ୍ତି ମାରି ଦିଆଯାଉଛି। ତେଣୁ ତାକୁ କ'ଣ କଲେ ନା ପଚାରିଲେ ତୁମର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ଅଛି, ନା ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କରିବି ମୋତେ ତ ଫାଶୀ ଦେଉଛନ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି, ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମୁଁ ଏଇ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟ ଭିତରେ ନ ମରିକିରି ମୋତେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ତରିକା ଯଦି ଅଛି ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ମାରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହେଁନି ମୋ ବେକରେ ସେ ଫାଶୀ ପଡ଼ୁ, ଏତିକିଟା ଯଦି ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିବ ମୋର ଅନୁରୋଧ ତାହେଲେ ମୁଁ ଖୁସି ହେବି। ପଚରାଗଲା ଫାଶୀ ଭଳି ଆଉ କ'ଣ ଦଣ୍ଡ ଅଛି ତାକୁ ଦିଆଯିବ ଆଜ୍ଞା, ଜଣେ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ କହିଲେ ବା ଜଣେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଡକାହେଲା କ'ଣ କଲେ ଆଉ ସିଏ ମରିପାରିବେ, ସିଏ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଛଟପଟ ହେଇକି ମରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି। ସେତେବେଳେ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହୁଏତ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେ କହିଲେ ମୋର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ରଖନ୍ତୁ, ଫାଶୀ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଦିଆହେବ, ମରିବ ତ ନିଶ୍ଚିତ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାବନା ମଣିଷର କେଉଁଠି ରହିଛି, ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟାଏ, ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଖି ଦୁଇଟା, ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ହାତ ଦୁଇଟା ଆଖି ଦୁଇଟା ଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଅଲଗା, ହାତ ଦୁଇଟା ଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା, ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟିଏ ଥିଲେ ଭାବନା କ'ଣ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା, ମୁଁ ସେଇଟା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଜ୍ଞା, ଏଇଠି ପରୀକ୍ଷା କରିବା। କହିଲେ କ'ଣ ପରୀକ୍ଷା କରିବ ନା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଖାଲି କୁହନ୍ତୁ ମୋତେ ସେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟକୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଗଲା, ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। କହିଲେ ବାବୁ ତୁମକୁ ଜଣେ ସର୍ପ ଦଂଶନ କରିବ, ମାତ୍ର 5 ସେକେଣ୍ଡରେ ତୁମେ ମରିଯିବ, କିଛି ଜାଣିପାରିବନି, ଖାଲି ଛୁଞ୍ଚି ଜଷ୍ଟ ଛୁଞ୍ଚି ଫୋଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ହେବ, ତାପରେ ତୁମେ ଠକିନି ପଡ଼ି ମରିଯିବ, ତୁମେ କିଛି ଜାଣିପାରିବନି। କହିଲେ ଚଳିବ ମୋତେ ଏଇ ମୃତ୍ୟୁଟା ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କଲା ମୋତେ ବରଂ ସର୍ପ ଦଂଶନ କରୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ ଶୁଳିରେ ଯିବିନି, ମୁଁ ଫାଶୀରେ ଯିବିନି। କ'ଣ କଲେ ନା ତାକୁ ଆଣିଲେ ତା ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗୋଖର ସାପକୁ ଦେଖେଇଦେଲେ, କହିଲେ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ସାପୁଆ କେଳା ଜଣେ ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି, କହିଲେ ଦେଖ ଏଇ ସାପଟି ତୁମକୁ ଦଂଶନ କରିବ, ଦେଖିଦେଲା ସାପ। କହିଲେ ଏବେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ ପଟି ବାନ୍ଧିଦିଅ, ତା ଆଖିରେ ଗୋଟିଏ କଳା ପଟି ବାନ୍ଧିଦିଅ, ସେ କିଛି ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ନହେଲେ ଭୟଭୀତ ହୋଇକି ଦୌଡ଼ିବେ ନା, କିଛି ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଖିକି ବାନ୍ଧି ଦିଆଗଲା, ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଠିଆ କରି ଦିଆଗଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଆମେ ଆମ ଭାବନା ବି ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଯଦି ଆଜି ଯେଉଁ କରୋନାର ମହାମାରୀ ଆସିଲା ଆମ ଭାବନା ହିଁ ଆମକୁ ଆଜି ବହୁତ ତଳକୁ ନେଇଯାଉଛି। ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା ଆସୁଛି, ଏଇଠି ଟିକେ ଆମେ ଶୁଣିବା ଭଲ ଭାବରେ କଥାଟା ଟିକେ ବୁଝିବା। ଯେତେବେଳେ ତା ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ପିଲାଟା ଠିଆ ହେଇଛି, ତା କାନ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇ କହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାପ ଆସିବ ତୁମକୁ ମାରିବ,
एबे बंधा ही गला जणे कीबोर्ड बजेला वाला आसिले जिए सापर फंकिना साउंडटा करिवो सी आसिले आउ जणे तांको पाखरे ठिया आले गोटे बड़ सिरिंज रे जो सिरिंज रे गाई मानको दिया जाए सही बोले सिरिंज रे पानी आनिकरी ठिया आले आ गोटे पिला गोटे छुंचीटा धरी तार पाखरे कान पाखरे सेठी ठिया आला एवं छुंचीटा धरी थाए कीबोर्ड रे बजेया पाई रहिछि जेंदि साप फंकिनी करिवो से कोन करछि ना जते कीबोर्ड रे सापर से फ शब्दा करते कौन जी पाखे जी छुंची धरी से कौन कले से छुंची टे फुटेदे जो फुटेदे से पुणी किसी समय चुप रहीगला एमती लगातार पांच थर के ये भी सही सापर साउंडटा करूए और सी पांच थर के अलग अलग जगह के हाथ में केत गोड़े केत फुटेदे जो फुटेदे सारापर कान पाखे जी ठियाई कहवापी भावन जी कह सी कौच आहा के रक्त बही पड़ा अरे 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 एबे सापटाक नहीं जाओ बहुत रक्त बाहर से तो रक्त बाहर कहला से समय जे सिरिंज धरता दर्शक बंधु सी कौन कला ना टिके 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 से सिरिंज की चिपुची टिके टिके कौन कर तलू ठप 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 पड़ू ठप ठप कले अरे केत रक्त बहीगला एम ठप ठप शुभुची सी निजे निजे भावुच मो देहर सब रक्त निगिड़ गला सांगे सांगे पांच मिनिट दुई तीन मिनिट जा कि ना मुहर तार फेण बाहर जोबले मुहर फेण बाहर एवं से टली पड़ा ताकू आज्ञा निगला पोस्टमर्टम करने जो पोस्टमर्टम कले आम शुणिले आश्चर्य हवा पोस्टमर्टम तार टोटाल शरीर टा बाहर जे से शरीर विषाक्त हो जाए पयजन मरी जा दर्शक बंधु सतरे कौन से पा को पयजन दि जाइला ना ताकू सर्पदंशन कराइला किसी भी कर कहले केवल ताकू भावना दि जाइला या सैला सर्प काटिला भाभी भाभी से कौन कला से टली पड़ा ये प्रमाणित तो है भावना भितर भी विष आसीगला तापर पाली पड़ा आर्यन रत आर्यन को कहले कल तुम फासी अच्छी बा आर्यन आसी पहुँचीगला से भी जस साहेब कहले तुम शेष इच्छा कौन कह ना आज्ञा मुझे मरबी जान ली मरवाटा सियोर किंतु मो पाखे गोटे भल गुण अच्छी जे मुदी गोटे जिनस गोटे विद्या शिखी मत दईबी कृपार मिलता मुझे गोटे लुहाटा को छुईदेवी सुना करदेवी शेष समय गोटे लुहाटा को छुईकी मुझ सुना करी कहले हाउ तार शेष इच्छा पूरण करूँ से जोड़ी मु सुना करी ए जगह को शहे आठ जन पाखापाखी लोक आसवे से साधु सन्त टे आसवे कौ पुरोहित तो आसवे से बड़ अफिसर मैंने आसवे साधारण गाँ लोक मैंने आसवे समस्ते आज्ञा ठिया हे मुझ मझे ठिया हे तो छुईकी करी कहला अच्छा ठीक अच्छे से समय से ही व्यवस्था करागला एपटे कौन है ना आर्यन बापा माँ सका बसिक बेलपत्र चढ़ेक रुद्राभिषेक कर हे प्रभु पिलाटा को टे फाँसी मुका दियो प्रभु भगवान चाहिए आज कथा को काली कि दि मिनिट्रे सी बदल दिखती फाइल केत तलुआनी उपर थे उपर तल को थोदेवे सी भगवान सृष्टिकर्ता हर्ताकर्ता दैव विधा कारण ना भागवत कहुची सबुरी मूले मुकारण तेणु मो नाम सनातन गोविंद 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 पदु गळुची मकरंद सबुरी मूले हूँ मु कारण मु तो करी कराउ थाए मुई कले करी कराउ थाए मुई मो बिनु अन्य गति नाही गोविंद 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 पदु गळुची मकरंद कारण से तो सब करुछंदी ना एपटे धड़किनी आओ दिमाग भी काम कला ये सांगे सांगे कौन कले ना जसाई भी तांको कथा को मन रखिकी सबू लोक से गदा करदे सबू लोक गदाई एवं आर्जन कौन कौन आज्ञा जीवन रे जीए के चोरी करी नथिबे दर्शक बंधु कथाटा टे बुझा विषटा पड़े ना अमृत आसूँ बर्तमान कहले जीवन रे जीए के चोरी करनी से लुहाटा को धरिकी मो पाख को आसू मु मंत्र पढ़वी जसा भी टे चारिपट को नैले आ भितर किए चोरी कर साधु चोरी कर नए कहे आज्ञा गोसई आप तो जीवन में केवे चोरी कर नए टे लुहाटा को नहीं आगे जातु कहे ना आज्ञा मुझना आज साधु होती छोट बेल तो किसी ना कि भूल करी नि पेनसिल रबर कौटी भल मंद आनी ना आज्ञा मुमी ये कम करें अच्छा ये जो आम मंदिर पुरोहित आज्ञा आपन टे आज्ञा ये आसतु कहे ना आज्ञा मुझे जीवन में आज सीना ठाकुर पूजा करुच्ची मुँह तो चोरी करनी बोले किसी माने ना एमती जन जनका पचरा गला लास्ट को आर्यन कहला जस साहेब
ଆପଣ ଟିକେ ହେଲେ ଧରିକି ଆସନ୍ତୁ, ମୋ ମନ୍ତ୍ରଟା ପଢ଼ିଯାଇ ଫାଶୀ ବେଳ ଡେରି ହେଇଯାଉଛି। ଯଶ ସାହେବ କହିଲେ, ଆରେ ବାବା, ମୁଁ ବି କେତେବେଳେ ନା କେତେବେଳେ ଭୁଲଟା କରିଥିବି ନିଶ୍ଚିତ। ଆରେ କେଉଁଠି କିଛି ନହେଲେ 10 ଟଙ୍କା ତ କେତେବେଳେ ମୋ ପକେଟକୁ ପଳାଇଥିବ। ଭୁଲ ନଥିବା ଜୀବନରେ କିଏ ଅଛି? ଯିଏ ହଉ କିଛି ନା କିଛି ଚୋରି କରିଥିବ ନା? ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ସମସ୍ତେ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଚୋର ଛୋଟ ଚୋର ସମସ୍ତେ ତ ଚୋର, ତ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ କାହିଁକି ଫାଶୀ ଦିଆଯିବ? ଅନ୍ୟମାନେ କାହିଁକି ବେଫିକର ବୁଲୁଛନ୍ତି? ଯଶ ସାହେବଙ୍କ ଦିମାଗ ବି କାମ କଲା, ଉପରବାଲା ଅଛନ୍ତି ନା, କହିଲା ଆରେ ସତେ ତ, କହିଲା ଯଦି ସମସ୍ତେ ଚୋର ତାହେଲେ ମୋତେ ଫାଶୀ କାହିଁ ଦିଆଯିବ? ତେବେ ବିଚାର କରିକିରି ଲୋକକୁ ସଜା ଦିଆଯାଉ। ଆଜ୍ଞା, ସେଇଦିନଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଫାଶୀ ଥିଲା ଧୀରେ 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 କମିଲା। କାହିଁକି ନା, ଏ ପିଲାକୁ ବରଂ 2-3 ବର୍ଷ ସଜା ଦିଆଯାଉ। ଏମିତି ତ ଦଣ୍ଡ କରିନି ଯେ ତାକୁ ଫାଶୀ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଜଣକୁ ଦିଆ ସରିଛି, ହେଲେ ଆକୁ 3 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ହେଲା, ଇଏ ରହିବ, ତାପରେ ପଳାଇବ। ଆଜ୍ଞା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଦୁଇଟି ସାଙ୍ଗଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ବିଷ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅମୃତ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଷ ଅମୃତ ଦୁଇଟା ଯାକ ଆମର ଭାବନା ଭିତରେ ଥାଏ। ପ୍ରଥମରୁ ଆମେ କହିଥିଲୁ, ଯାଦୃଶୀ ଭାବନା ଯଶ୍ୟ ସିଦ୍ଧିରେ ଭବତୀ ତାଦୃଶୀ, ଯାହାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବନା ଥାଏ ସେ ସେହିଭଳି ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରେ, ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଭାବନା ରଖିବା, ଅନ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଇବା, ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ବି ଭଲ ଭାବନା ରଖିଲେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବେ, ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବେ। ଏ ଭାବନା ସହିତ ଆଜିର କାହାଣୀକି ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ଆମେ ପୁଣି ଆସିବୁ ନୂଆ ଏକ କାହାଣୀ ସହିତ, ନୂଆ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସତ୍ୟପଦେ ଘେନି ଯାଉ ମୋତେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟା ନେଉଛୁ, ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।